प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा स्टेट अनुसूचित जाति वंचित वर्ग प्रदेश स्तरीय बैठक हिसार के राजगढ़ रोड स्थित संत कबीर छात्रावास में हुई। मीटिंग के दौरान सभी वक्ताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आग्रह किया कि जैसे कि शिक्षण संस्थाओं में वंचित वर्ग को अनुसूचित जाति वर्ग के 20% आरक्षण में से 10% का आरक्षण दिया गया है, ठीक उसी प्रकार सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण बहाल किया जाए, क्योंकि ये वंचित वर्ग का प्रदेश में अहम मुद्दा है। इस बैठक में नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 20 अगस्त 2020 को अपने 78 पेज के फैसले में ये निर्णय दिया कि यदि राज्य सरकार चाहे तो वंचित वर्ग को संविधान की धारा 16 के तहत आरक्षण दे सकती है। भाजपा ने 2014 के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में इसे लागू करने का वादा किया था, जो कि पूरा नहीं किया गया और वंचित वर्ग में इसके लिए बड़ी निराशा है। इस दौरान सेवानिवृत्त अधिकारी रोशन लाल व जोगी राम ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार के पास मांग पत्र जा चुका है, जिसमें कि कुछ मांगे पेंडिंग है और पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने 2014 में इसे दिया था, जिसमें कि 42 जातियां वंचित हुई थी और उन्हें अपूर्णीय क्षति पहुंची है। आज यहाँ संत कबीर शिक्षा समिति के प्रांगण में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें वंचित वर्ग जो डिप्राइड शेड्यूल कास्ट की 42 जातियाँ हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और हमारी एक मांग जो काफ़ी समय से पेंडिंग है, सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जैसे हरियाणा सरकार ने पीछे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस में जो शेड्यूल्ड कास्ट को मिलने वाले 20% जो रिजर्वेशन का उसका 50% इस डिप्राइड शेड्यूल्ड कास्ट की जातियों को दिया था, हमारी आज मीटिंग में यही फैसला लिया गया है कि सरकार जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन में हमें रिजर्वेशन दी है उसी तरीके से सर्विसेज में भी हमें रिजर्वेशन दी जाए, यही हमारी मांग थी। और आज मीटिंग में ये भी हुआ कि अभी आदमपुर का उपचुनाव होना है तो मुख्यमंत्री महोदय से, सरकार के जितने मंत्री हैं, MLAs हैं, उनसे भी हम मिल करके ये कहें और हमारी मांग को वो माने और आदमपुर जो चुनाव होना है उसमें ये लोग उनको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट कर सके। तो मुख्य बात जो हमारी थी वो यही है कि जो सर्विसेज में जो शेड्यूल्ड कास्ट में रिजर्वेशन देने का था वही उसी की आज हमारी मांग है। नहीं, ऐसा है कि सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट का है, जो हरियाणा गवर्नमेंट में 20% जो अनुसूचित जाति को रिजर्वेशन मिलती है, चाहे वो एडमिशन्स में है, एजुकेशन में या सर्विसेज में है, तो उस 20% में से जो 50% है यानी 10 जो आधा हिस्सा, वो हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हरियाणा सरकार ने पहले ही एक्ट बना करके हमें दे दिया है। उसके आज हमने सभी ने मतलब एक ईश्वर में हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी किया है कि भी उन्होंने हमें ये जो 50% का जो एडमिशन में हमें रिजर्वेशन दे है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो हमारा सर्विसेज में और बकाया है, क्योंकि इससे पहले जब चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये लागू किया था, वहाँ SC A और B दो कैटेगरी बना करके, जिसको आज हम डिप्राइड शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, वो बना करके लागू की थी और 10-11 साल तक ये लागू रहा था। ये करते हैं लेकिन फौरी तौर पर तो पहले हमें ये जो है ना ये लागू कर दिया जाए ताकि पीछे का बैकलॉग है, अदरवाइज तो बैकलॉग होता ही जा रहा है। यानी हमें जो 20% है वो मतलब हमें तो केवल 1.5% मिल रहा है, जितने लोग ये 42 बिरादरी के लोग हैं इनको जो सरकारी सर्विसेज में है इनकी हिस्सेदारी केवल 1.5% है, 18% जो है हमारे दूसरी जो शेड्यूल कास्ट के भाई हैं उनके लिए है और आबादी में हम उनसे ज़्यादा हैं। मांग पत्र पहले दिया जा चुका था, मांग पत्र तो ये कई साल से दे रहे हैं, आज की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि एक कमेटी बना करके आज एक कमेटी बना लेंगे
और वो पहले मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे, जितने मंत्री हैं उनसे भी हम सपोर्ट मांगेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि ये सभी लोगों के जो 36 बिरादरी हैं डिप्राइव शेड्यूल्ड कास्ट की जो है, उनकी केवल और केवल एक मांग है कि भाई वो हमें मतलब इसमें लागू कर दें, और वो सरकार को भी मतलब वादा खिलाफी नहीं करेंगे, वो भी मतलब अपने काम पे मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली मतलब सपोर्ट भी करेंगे सरकार। जैसे मांगे पूरी हो जाती, कितने लोगों को बेनिफिट मिलता है? नहीं, सर्विसेज का ये है कि हरियाणा सरकार के जो सरकारी सर्विसेज में भर्ती होती है वो टोटल वैकेंसी का 20% होता है, तो 20% में से जो चौधरी भजनलाल ने किया था 10% चमारों मतलब 50% यानी 20 का आधा चमारों के लिए कर दिया था, और आधा मतलब जो डिप्राइव शेड्यूल कास्ट है उस टाइम ए मतलब कैटेगरी ए कहते थे उनके लिए कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज तक इसकी मतलब सर्वे कर लें, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी बता दिया गया है कि जो ये हमारी 42 जो कास्ट हैं जिसको सरकार ने डिप्राइव शेड्यूल कास्ट का नाम दिया, वंचित वर्ग दिया है, इनको तो केवल 1.5% मिल रहा है, बाकी 18.5% तो दूसरों उनको जा रहा है, तो इनका जो हिस्सा है वास्तव में वो भी मतलब जो ड्यू है वो भी नहीं मिल रहा है। चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? नहीं, चुनाव के लिए हम सरकार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो हमारी मांग है वो गांव-गांव में एक कमेटी बना करके गांव-गांव में भी जाएंगे, अगर सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारा ये लागू करो, वहाँ गांव के लोग भी मतलब इस बात को कहेंगे, हम कह रहे हैं जिन्होंने जो वोटर हैं वो भी इस बात को कहेंगे कि भाई ठीक है हमारी ये मांग है इसको पूरी करो। ऐसा है, हम ऐसा है उसकी मांग करेंगे। देखो अगर सरकार लागू कर देती है फिर तो आँख मीच करके हम उनके साथ हैं, अगर कोई वो आनाकानी करेंगे तो फिर हमारे पास भी ऑप्शन है। सम्मेलन आज ये लोग जो है ना ये केवल हिसार के नहीं है, हरियाणा के मतलब जो दूसरे कोने कोने से और जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे कि उनके प्रतिनिधि हैं वो लोग मतलब आए हैं, और ये काफ़ी मतलब आपने जैसे देखा है तो ये सारे इसी बात पर मतलब अडिग हैं कि बिल्कुल ठीक है कि भाई हमें ये मांग हमारी मांग रहे इतने दिन से, मांगी नहीं जो हमारी पूरी हो रही है, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।